सोचो आपका आपके चैनल केमिस्ट्री गुरु आरपी उपाध्याय पर स्वागत है। आप लोग को मैं ये क्लास 10th का लेक्चर है, मैंने इसका क्लासिफिकेशंस का टेबल बनवा दिया था, आज हम उसी का चर्चा करेंगे इस लेक्चर में। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ध्यान से देखिएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो क्लासिफिकेशन होता है, हमने आपको बताया था इसके पहले वाले लेक्चर में कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को दो भागों में, टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला, समझाते चल रहे हैं, देखते रहिए, समझ लीजिए। पहला है, पहला पार्ट है ओपन चेन कंपाउंड। ओपन चेन कंपाउंड, और दूसरा पार्ट है इसका क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स। बेटा ये है आपका ओपन चेन कंपाउंड। देखिए, इससे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव आपके मिल सकते हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में, तो थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिएगा। मैं आपको एग्जांपल्स के द्वारा इसको समझा दे रहा हूं। तो बेटा ये है ओपन। ओपन का मतलब देखते हैं, जैसे ओपनली अरेंजमेंट, इसका मतलब क्या होता है? जैसे ओपन चेन में क्या होता है कि जैसे ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये आपस में जुड़ करके एक स्ट्रेट चेन बना लें, तो ये आपका क्या हो गया? ओपन चेन कंपाउंड। जैसे इसका एग्जांपल बेटा है CH3 CH2 CH2 CH3, देख रहे हैं ना, मतलब जिसमें कार्बन एटम आपस में एक दूसरे से जुड़ करके स्ट्रेट चेन बनाए हो, तो क्या होगा? आपका ओपन चेन कंपाउंड होगा। समझ लीजिएगा इसको। तो ये आपका एग्जांपल हो गया। अब इसी तरह से बेटा क्लोज चेन की बात करते हैं, इनको हम एसाइक्लिक भी कहते हैं, याद रखिएगा। इनको हम क्या कहते, बताए थे आपको, एसाइक्लिक, यानी कि एसाइक्लिक का मतलब इसमें साइकिल्स नहीं, जैसे एसाइक्लिक को कहते ए साइक्लिक, एसाइक्लिक कंपाउंड, इसको एसाइक्लिक भी कहते हैं, और इनको एलिफैटिक कंपाउंड भी कहा जाता है, एलिफैटिक कंपाउंड। याद रखिएगा कि कार्बन एटम्स आपस में जुड़ते हैं और स्ट्रेट चेन बना लेते हैं, ये तो चीज समझ में आ गई होगी। क्लोज चेन की बात करते हैं, तो क्लोज चेन जाहिर है कि जिसमें कार्बन एटम आपस में जुड़ करके एक रिंग जैसी संरचना बना ले, देख रहे हैं ना, ये या ऐसे 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 ऐसे, है ना, ये क्या हो गए, इनको हम साइक्लिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइक्लिक कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? साइक्लिक कंपाउंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? CYCLIC, साइक्लिक कंपाउंड। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन एटम जुड़ करके एक स्ट्रेट चेन बनाया हो, उसे हम कहेंगे ओपन चेन कंपाउंड, या एसाइक्लिक कहेंगे, या एलिफैटिक कंपाउंड कहते हैं इन्हीं को। डिफिनिशन जैसे कोई पूछ देता तो दोज कंपाउंड इन विच कार्बन एटम्स लिंक्ड विद ईच अदर एंड अरेंज्ड इन ए स्ट्रेट चेन नोन एज ओपन चेन, और व्हेन द कार्बन एटम्स लिंक्ड विद ईच अदर एंड फॉर्म ए रिंग लाइक स्ट्रक्चर, कार्बन एटम जुड़े और रिंग जैसी संरचना बना ले, तो आपका ये क्या हो जाएगा? क्लोज चेन कंपाउंड होगी। ये चीज तो समझ में आ गई। अब देखिए आगे हम बढ़ते हैं बेटा, एग्जाम्पल हम लिखते जा रहे हैं, समझ में आ जाएगा। तो जैसे क्लोज चेन की अगर बात करते हैं बेटा, तो यहां पे जैसे ये बेंजीन है, बेंजीन है, ये आपका क्या है? क्लोज चेन कंपाउंड है। ये आपका साइक्लोप्रोपेन है, ये आपका क्या है? क्लोज चेन कंपाउंड है। तो नोट कर लीजिएगा ये एग्जांपल्स के माध्यम से। आप देखिए, अब क्लोज चेन को फिर दो भागों में बांट दिया गया है, याद रखिएगा। अब हम समझाते चल रहे हैं, आप इसको एग्जांपल लिख लेंगे, खुद ही आप समझ लेंगे कैसे क्या लिखना है। देखिए,
क्लोज्ड चेन कंपाउंड जो होते हैं इनको फिर दो भागों में बांट दिया गया है। कौन कौन सा? एक कहा गया है होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक याद रखिएगा, होमोसाइक्लिक, और दूसरा है हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। अब चलिए होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक का नाम ही है, यानी कि इसमें जो रिंग होगी याद रखिएगा रिंग, ओनली मेड अप ऑफ कार्बन एटम, याद रखिएगा इसमें रिंग केवल किसकी बनी होगी? कार्बन एटम की बनी होगी। जैसे इनको हम कार्बोसाइक्लिक भी कहते हैं, क्या कहते हैं? कार्बो सी वाई सी एल आई सी कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड। इसमें रिंग है, जैसे आपका ये बेंजीन है तो सिर्फ केवल किसके बने हुए हैं? कार्बन के बने हुए हैं। ये आपका साइक्लोब्यूटेन है, रिंग किसकी है? केवल कार्बन की। साइक्लोहेक्सेन है, रिंग केवल किसकी है? कार्बन की। हेट्रोसाइक्लिक में क्या होगा याद रखिएगा, हेट्रोसाइक्लिक यही बता दे रहे हैं, हेट्रोसाइक्लिक में रिंग में कार्बन के साथ दूसरे एटम भी आ जाते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, ईटीसी प्रेजेंट हो जाते हैं, तो आपका हेट्रोसाइक्लिक। जैसे इसका एग्जांपल देख लीजिएगा, फ्यूरान देख रहे ना, ये यहां देख रहे ना, ये कार्बन 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 कार्बन, यहां ऑक्सीजन आ गया, फ्यूरान है। इसी तरह से आपका क्या है, ये आपका एन है, यहां एच आ जाए, ये आपका क्या हो जाएगा? पायरोल आ जाए। यही इसी तरह से आपका यहां सल्फर आ जाए, थायोफीन हो जाएगा, थायोफीन, थायोफीन है ना, थायोफीन। ये आपके क्या हो गए? हेट्रोसाइक्लिक हो गए। अब बेटा होमोसाइक्लिक को फिर दो भागों में बांट दिया गया था, मैं बताया था हेट्रोसाइक्लिक, तो समझ में आ गया कि हेट्रोसाइक्लिक ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें रिंग में कार्बन के साथ अदर आइटम भी प्रेजेंट होंगे, जैसे नाइट्रोजन आ गया, ऑक्सीजन आ गया, सल्फर आ गया, ये आइटम भी प्रेजेंट होंगे, तो आपका क्या हो जाएगा? हेट्रोसाइक्लिक हो जाएगा। लेकिन होमोसाइक्लिक में रिंग केवल किसकी बनी होगी? कार्बन की बनी होगी, इसलिए इसको कार्बोसाइक्लिक भी कहते हैं। अब इसको भी दो भागों में बांटा गया है, ध्यान से देखिएगा, बता दे रहे हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए ठीक है, नोट कर लीजिएगा। चलिए इसको बेटा मिटा दे रहे हैं, होमोसाइक्लिक फिर दिखा दे रहे हैं, इसको ऐसे क्लासिफाई किया गया है। होमोसाइक्लिक कंपाउंड को दो पार्ट्स में बांट दिया गया था, है कि नहीं? एक को कहा गया था एलीसाइक्लिक, एली सी वाई सी एल आई सी, एलीसाइक्लिक कंपाउंड, एलीसाइक्लिक कंपाउंड, और दूसरे को कहा गया था एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड्स, है ना? एलीसाइक्लिक में क्या होंगे?
एलिसाइक्लिक में ऐसे साइक्लिक कंपाउंड, ऐसे साइक्लिक कंपाउंड जो सोज रिजेंबल्स, सोज सोज रिजेंबल रिजेंबल विथ ओपन चेन कंपाउंड, ये ओपन चेन कंपाउंड या एलिफैटिक कंपाउंड से समानता रखते हैं। जैसे ये बेटा ऐसे ट्रायंगल बना देंगे, मैथ में तो ट्रायंगल बोलते हैं लेकिन यहां बोलते हैं साइक्लोप्रोपेन। क्या बोलते हैं? साइक्लोप्रोपेन। इसको बेटा क्या बोलते हैं? ऐसे साइक्लोब्यूटेन। इसको बेटा क्या बोलते हैं? ऐसे है तो पांच कार्बन है, एक दो तीन चार पांच, साइक्लो पेंटेन। और ऐसे रहे छह कार्बन वाला, सी वाई सी एलो साइक्लो। तो ये आपके क्या है? ये साइक्लिक कंपाउंड होते हैं लेकिन इनका जो रिजेंबलेंस समानता होती है किससे होती है? ओपन चेन कंपाउंड से होती है। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? एलिसाइक्लिक। साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, इसमें साइक्लो लगा रहता है। चलिए एरोमेटिक। एरोमेटिक में इसमें जो है विशेष स्मेल पाई जाती है, प्लीजेंट स्मेल वाले कंपाउंड होते हैं, ये बेंजीन होते हैं, है ना, या बेंजीन के डेरिवेटिव होते हैं, है ना, ये क्या होते हैं? बेंजीन के डेरिवेटिव होते हैं या बेंजीन से गुणों में समानता दर्शाने वाले होते हैं। तो इनको दो भाग में बांट दिया गया है। एक को कहा गया बेंजीनॉइड, बेंजीनॉइड, और दूसरे को कहा गया नॉन बेंजीनॉइड, नॉन बेंजीनॉइड। बेंजीनॉइड और दूसरा है नॉन बेंजीनॉइड। तो बेंजीनॉइड में बेटा नाम से ही क्लियर है कि इसमें बेंजीन रिंग पाई जाएगी, है ना। जैसे बेंजीन हो गया, ये आपका OH लग जाएगा तो उसको क्या कहेंगे? फिनॉल कहेंगे, है ना। ये आपका यहां से NH2 लग जाएगा तो उसको एनिलीन कहेंगे। ये आपके क्या है? आपके बेंजीनॉइड में बेंजीन रिंग पाई जाएगी और नॉन बेंजीनॉइड में बेंजीन रिंग नहीं होगी। जैसे नॉन बेंजीनॉइड का एग्जांपल है एजुलीन, एजुलीन, एजुलीन। तो ये एजुलीन हुआ आपका, प्रोपोलोन हो गया, ये सब है एजुलीन, एक याद करेंगे जिसमें बेंजीनिंग नहीं होती। तो बेटा इस तरह से आपका ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन क्या हो गया? ये खत्म हो गया। तो ध्यान से एक बार फिर से बता दे रहे, होमोसाइक्लिक ये दो प्रकार के होते हैं, एलिसाइक्लिक एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक क्या होते हैं? ऐसे साइक्लिक कंपाउंड जिनकी समानता होती है, रिजेंबलेंस होती है ओपन चेन कंपाउंड से या एलिफैटिक से, उन्हें हम एलिसाइक्लिक कहते हैं। जैसे साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन। एरोमेटिक, एरोमेटिक का मतलब है प्लीजेंट स्मेल वाले होते हैं, स्मेलिंग कंपाउंड होते हैं, बेंजीन हो सकते हैं, बेंजीन के डेरिवेटिव हो सकते हैं, या बेंजीन से प्रॉपर्टीज में क्या सिमिलरिटीज वाले होते हैं, उसमें दो तरह के होते हैं, बेंजीनॉइड और नॉन बेंजीनॉइड। बेंजीनॉइड में बेंजीन रिंग होगी, नॉन बेंजीनॉइड में बेंजीन रिंग नहीं पाई जाएगी। तो इस तरह से आपका ये क्लासिफिकेशन क्या हुआ ऑर्गेनिक कंपाउंड का, पूर्णतया क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब आगे हम बता रहे हैं इसमें आपको जो IUPAC नेम में जरूरत पड़ेगी बेटा, उसको ध्यान दीजिएगा, नोट कर लीजिएगा इसको इतना। चलिए अब ये तो बता दे रहे हैं, अगले लेक्चर में हम आपको बताएंगे IUPAC कैसे किया जाता है। ये दो पॉइंट्स और बता दे रहे हैं, इसके बाद इस लेक्चर को यही कंप्लीट कर देंगे, फिर अगला जो है
आईपीएससी चलेगा अगले लेक्चर में। चलिए बेटा, लेकिन ये दो चीजों को जरूर याद रखिएगा। एक चीज तो बेटा फंक्शनल ग्रुप याद रखिएगा, फंक्शनल ग्रुप है ना, और दूसरा आप बेटा याद रखिएगा एल्काइल, इनको ध्यान दीजिएगा, ये याद रखिएगा। फंक्शनल ग्रुप जैसे आप जानते हैं कि इस ग्रुप को अगर चेंज किया जाए तो कंपाउंड्स की फिजिकल केमिकल दोनों प्रभावित हो जाएगी, है कि नहीं। तो ये फंक्शनल ग्रुप में केवल नाम याद रखिएगा, जैसे हमने लिख दिया क्लास और यहां पे हमने लिख दिया फंक्शनल ग्रुप, याद रखिएगा इसको। जैसे आपका एल्कीन है तो इसमें क्या हुई, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पाया जाएगा, है ना। एल्काइन है, इसमें क्या होगा, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन होगा। एल्कोहल है, इसमें क्या होगा, ओएच एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का क्या होगा, सी एच ओ। कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका क्या होगा, सी डबल ओ एच कीटोन, इसका होगा ये कीटोन। एमाइन है, बस इतना ही पढ़ना है, एमाइन, एमाइन जो आपके सिलेबस में है, NH2। इतना तो दिमाग में बैठा लीजिएगा कि ये ग्रुप किसके अंतर्गत आएंगे, डबल बॉन्ड वाला एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड वाला एल्काइन, एल्कोहल का OH, एल्डिहाइड का CHO, कार्बोक्सिलिक का सी डबल OH, कीटोन का सी, यही है सी डबल बॉन्ड की, और एमाइन का NH2। ऐसे और ढेर सारे हैं, इसको आप याद करेंगे, इतना ही आपके लिए सफिशियंट है। चलिए अगला बता रहे हैं आपको एल्काइल ग्रुप, इसको भी जानकारी रखना पड़ेगा आपको। देखिए जैसे बेटा एल्कीन होता है, एल्कीन इसका जनरल फार्मूला मैंने आपको बताया था, CnH2n+2 होता है। अगर बेटा इससे एक हाइड्रोजन कम कर दिया जाए, जैसे यहां से एक हाइड्रोजन कम कर दे, तो आपका ये ग्रुप आएगा CnH2n+1 आएगा। जब हम एल्केन से एक हाइड्रोजन कम करते हैं तो जो ग्रुप मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, एल्काइल ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्काइल ग्रुप कहते हैं, है ना। तो अब इसमें जैसे देखो बेटा, जैसे यहां पे एक रखेंगे तो CH4 आ जाएगा, एक हाइड्रोजन कम करेंगे तो यहां से क्या आएगा, CH3। इसको क्या पढ़ेंगे, मेथिल। इसी तरह से C2H6 है, दो रखेंगे तो माइनस एक हाइड्रोजन कम करेंगे, यहां पर आएगा CH3CH2, इसको क्या पढ़ेंगे, एथिल। इसी तरह से CH3CH2CH3 रहेगा, इसको क्या पढ़ेंगे, PROPYL, प्रोपिल। इसी तरह से CH3CH2CH2, ये 1, 2, 3, 4 कार्बन, इसको क्या पढ़ेंगे, ब्यूटिल। तो याद रखिएगा, मेथेन से एक हाइड्रोजन कम करेंगे तो मेथिल आएगा, इथेन से एक हाइड्रोजन कम करेंगे तो इथिल आएगा, प्रोपेन से एक हाइड्रोजन कम करेंगे तो प्रोपिल आएगा, ब्यूटिल से एक हाइड्रोजन कम करेंगे तो ब्यूटिल आएगा। तो बेटा इस लेक्चर को जरूर एक बार देख लीजिएगा आप लोग ध्यान से। अब अगले लेक्चर में हम आपको IUPAC करना बताएंगे, और एकदम सिंपल वे में हम आपको IUPAC बताएंगे, आपको IUPAC एकदम सरलता से आ जाएगा, एकदम इजी वे में, याद रखिएगा एकदम इजी वे में बताएंगे। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है,
मेरे इस लेक्चर को अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट्स करिएगा, कोई क्वेश्चंस की दिक्कत होती है तो कमेंट करिएगा, मैं आपको पूरी तरह से समझाने का प्रयास करूंगा, आप लोग इसको ध्यान से देखिए, समझ में जरूर आएगा। थैंक्स।